अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू। वेलकम राजीव जी, आपका बाय। और थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हमने जो किया आपके लिए ही। तुमको थैंक यू नहीं बोल रहे हम, थैंक यू हम कू से कह रहे हैं। थैंक यू, तुमने अगर इस सिंधु का बवाल नहीं संभाला होता ना, तो पता नहीं इस सिंधु आज तमाशा कर ही देती। तुमने बचा लिया, अब इसको शांति से समझा बुझा के इस घर से विदा करो। ओके? हाँ, विदा नहीं होगी, यही रहेगी। जो सही है वो वही होगा, जो उसका हक है उसको मिलेगा। संजीव जी और सिंधु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको साथ लाना होगा। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है, बेवफाई का ये दर्द हमने भी सहा है। सुन रही हो कुहिया, राजीव जी तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुमने राजीव जी को धोखा दिया और फिर संजीव जी ने तुमको। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, धोखे के बदले धोखा। अपना शब्द और अपना सांसें काहे बर्बाद करियो दीदी। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि हमको धोखा देना तो दूर, हमको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना भरोसा है तुमको उस पर? अपने से भी ज्यादा। बेवफाई का ये दर्द हमने भी। बाबू, तुम्हारे प्लान के अनुसार तैयार हो गए हैं, उनको बोलो क्या बढ़ने को। ठीक है। अरे भाई, फिल्में तो बहुत देखी होंगी आप लोगों ने, लेकिन आज इस हीरो की एक्टिंग देखो। संजीव, ये क्या बेशर्मी चल रही है मेरे घर में? बेशर्मी नहीं, प्यार है बाबा। प्यार करने वाले दो जिस्म में एक जान होते हैं, तो क्या प्यार करने वाले एक प्लेट में खाना भी नहीं खा सकते? और अगर प्यार की परिभाषा मालूम नहीं तो बताएं हम। था ही संजीत किसे ले लिया एक्टिंग देव ने। बेशरम,
अपने बाप से जबान लड़ाता है? अपने बाप को तू बताएगा प्रेम की परिभाषा? एक पराई लड़की को मेरी छत के नीचे लेके आ गया और यूं सरेआम बेशर्मी कर रहा है। भाई तो नया क्या है? ये जो कुछ भी सीखा है आप ही लोगों से तो सीखा है। पहले आपसे सीखा, फिर राजीव दादा से सीखा। ये जितनी भी बेशर्मिया चीजें है ना, ये सभी आप लोगों से सीखा हमने। ये है हमारे आदर्श, हमारे अग्रज बड़े भाई राजीव नारायण चंदेल, जिनके नक्शे कदम पे चलना हम गर्व मानते थे। हमें पूरा यकीन था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने? विध्याता आदर्श नारी को छोड़ के इस हंसिनी से प्यार कर बैठे। अरे प्यार सिर्फ एक बार होता है और हमने भी ना एक ही बार किया है। हमारे लिए प्यार ना कोई खेल था, ना है और ना ही कभी होगा। हमारे मन के मंदिर में ना आज भी सिर्फ एक ही छवि, एक ही प्रतिमा है। हमने ना सिर्फ उसी को पूछा है। हाँ, प्यार में कई सारी चुनौतियां झेली हमने। दृष्टि गई हमारी, दृष्टि लौट आई हमारी, लेकिन आज भी हमारी मन की आंखों में ना सिर्फ एक ही है जो बसी हुई है। यादें धूमिल हो गई, हमारी शख्सियत बदल गई, लेकिन मन के दर्पण पे ना आज भी सिर्फ एक ही चेहरा मुस्कुराता है। हमने एक ही इंसान से और सिर्फ एक ही बात प्यार की, कोहु से। सिर्फ कुहू से प्यार किया है हमने, सिर्फ कुहू से, और किसी से नहीं। आज भी जब कुहू का नाम आता है ना, आज भी कुहू के नाम पे ये दिल दुखता है, दिल तड़पता है हमारा, आंखें नम हो जाती है हमारी। अरे अगर ये कुहू के लिए प्यार नहीं है हमारा, तो ये सारे जज्बात कभी नहीं उमड़ते। अरे दिल पत्थर का हो गया होता हमारा, हम ना सिर्फ एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी ना सिर्फ एक ही बार करते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? प्यार एक बार होता है और शादी वो बार बार होती है। ये कोयला आपका प्यार है? ओ हाँ, अंजनी, विवाहरा, सामाजिक सहूलियत, राजनीतिक जरूरत, पत्थर दिल तो आप है राजीव जी, क्योंकि आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। हमारा दिल आपके दिल से टकरा कर टूट गया। बाबू आप तो गजबे गजबे ढा दिया। क्या करें बुआ जी? बाय। अरे बाप रे बाप, बड़का बाबू ऐसा लगा कि एकदम कविता पाठ बोल दिए। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, ऐसा ऐसा पंक्ति बोले, बाप रे गजब। पता है जी कर रहा था ना कि साहब को कॉपी में लिख लिख के एकदम संभाल के रख ले। कहा बोले हैं आप, इंसान एक बार जीता है, इंसान एक बार मरता है, पर प्यार 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 भी एक बार होता है, सिर्फ एक बार। एकदम में शाहरुख खान वाला।
हम पंक्ति बोले। अरे लेकिन ना शाहरुख खान जैसा ना का 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 कोहू बोल देते ना तो अरे मजा आ जाता, एकदम में मजा आ जाता का 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 को। राजीव बाबू एक बार कह दीजिए का 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 को। वो कल आप कह रहे थे ना कि हमने हमेशा दिमाग की सुनी है और हमको दिल की सुननी चाहिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही हमको, दिल कुछ बोल ही नहीं रहा। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग उन गलत फहमियों से भरा पड़ा है मेरे द्वारा पैदा की गई थी। ये पिता ही जिम्मेदार है उसका। ये गलत फहमियां ही है जो सच को सामने नहीं आने दे रही है। बेटा तुम्हारे दिल के दरवाजे को उन अफवाहों ने जाम कर दिया है जो मैंने फैलाई थी। तो उन गलत फहमियों से हमको मुक्त क्यों नहीं कर देते आप? अरे आज भी वो गलत फहमियां हावी है हम पर। अरे आपके बेटे हैं हम बाबा, आपको नहीं लगता कि आपको हमको उन गलत फहमियों से दूर कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए? कुछ देना चाहिए। अरे बेटा हम इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, कब हमारा बेटा, कब हमारा राजीव हमारे पास आएगा और इन गलत फहमियों को दूर करने की मांग उठाएगा। प्लीज बाबा, प्लीज हमको सब सच बता दीजिए ना बाबा, प्लीज बाबा। दुर्घटना से पहले का कुछ याद नहीं है हमको, और उसके बाद भी ना एक धुंधली सी छवि है हमारे मन में। प्लीज सच बता दीजिए बाबा, हम जानना चाहते हैं सच क्या है, बेचैन हो रहे हैं हम, प्लीज। लग तो नहीं रही है बाल में। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई कहाँ है सब? ये तो देव की आवाज है, क्या हो गया? कोयल आती हूँ बेटा, अभी दो मिनट। हाँ कहाँ है सब? अरे आओ ना। अरे भाई वो पल आ गया है जब राजीव और कुह के जीवन का अनजाना सच सब लोग जान जाएंगे। आज वर्षों बाद मेरा बेटा, मेरा राजीव सच की मांग लेकर मेरे पास आया और मैं बताऊंगा उसको सारा सच। राजीव को और अपने रिश्ते के सच को समझने के लिए तैयार है। ये बोले बाबा। माई कैसे, अरे ये चमत्कार कैसे, मतलब अपने आप देखते देखते सब कुछ हल हो रहा है, हमको यकीन नहीं हो रहा। बड़का बाबू बेटा यही तो चाहते थे ना तू कि वो सामने आए, सच की मांग करे और सच जाने। अब वो पल वो घड़ी आ गई है, अब सब जानना है, समझना है और बैठकर सुलझाना है। जय मां भवानी, जय भोलेनाथ, आज तो बड़ा शुभ दिन है। पर सच बताना इतना आसान नहीं जब झूठ का पिटारा लिए सब घाट लगाकर बैठे हो। आपको लगता है हंसनी ये सब होने देगी? तो इसीलिए सीधे सीधे कुछ भी नहीं बताना है, सच को सीधे सीधे नहीं बताना है हमको। मतलब कुछ ऐसा हो कि राजीव बाबू को अपने आप ही सच की खबर हो जाए, कुछ ऐसा हो कि सच सुनते वक्त सिर्फ राजीव बाबू ही नहीं पर कुहू भी उनके साथ हो, और जब सच का तूफान चले तो झूठ हवा हो जाए, यादों की आंधी रिश्तों पर जमी धूल को उड़ा ले जाए, सच का सूरज फिर से जगमगाए और कोई उसको रोक न पाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिना रुकावट के ही सारा सच सामने कैसे आएगा।
हाँ कोई लिया है। अरे एक और चोटी भी तो बांधो, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं स्कूल? आज तो स्कूल में कठपुतली वाला खेल भी है। हाँ कठपुतली का खेल मिल गया। सच का रास्ता सच की जबान मिल गई। कठपुतली कठपुतली आज यहाँ भी होगा। हम करेंगे एक कठपुतली का खेल। दवाई लेकर आए? दरअसल ये सारा खेला सिंधु की आने के वजह से चौपट हो गया। वहां संजीव और सिंधु तमाशा करने लगे और यहाँ कुहिया को छूट मिल गई राजीव से इश्क लड़ाने की, और सारे घर ने कुहिया की इस बेशर्मी में उसका साथ दिया। अब देखते जा कैसे हम राजीव जी को इस आवारा कुहिया से नफरत करने पर मजबूर करते हैं। कठपुतली का खेल होने जा रहा है इस घर में। प्रभा बुआ और देव बाबा प्लान बना रहे हैं। टीवी से मन भर गया जो आप कठपुतली की नौटंकी शुरू कर दी। नौटंकी तो नहीं लगती हमें इसमें, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। तुम फिक्र मत करो, जाओ हम संभाल लेंगे। ठीक है हम देखते हैं। वहाँ कठपुतली का खेला हो रहा होगा और यहाँ इस नशे की दवाई के जोर पर कुहिया और संजीव हमारी कठपुतली बन चुके होंगे। कौन है बाबा, ये सब क्या है? सच का रास्ता, मैंने कहा था ना सच सुनाऊंगा नहीं दिखाऊंगा भी। आज तू सच दिखेगा भी और जानेगा भी। हम दिखाएंगे तुझे तेरी और कुहू की सच्ची कहानी जिससे तू अनजान है बेटा। क्या हुआ? तुम भी शरबत परोसो की, और परोसे वक्त इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों ग्लास में से एक कुहू को और एक संजीव को देना है। लेकिन क्या है इन ग्लासों में? सवाल पूछने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। काम कर दो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब जो कहा है उसे बिना किंतु परंतु किए काम करना शुरू कर दो। उठाओ अब देखिए तो उसे नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।